सर को मैसेज डबल टिक नहीं हुआ। आ जी कौन सा जी? सलाम गए हैं सर। वालेकुम। सॉरी जी, ये इंटरनेट का कोई इशू था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था आपसे। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है जी सर। ओके चलें स्टार्ट करें सर, नेक्स्ट कर। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब एक होता है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन और एक होता है परफेक्ट पैरेंटल न्यूट्रिशन। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टीपीएन है वो कंसंट्रेटेड होता है और स्मॉल वॉल्यूम का होता है, और जो पीपीएन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और जो टीपीएन है वो हम सेंट्रल वेन से देते हैं और जो पीपीएन है वो हम पेरिफेरल वेन से देते हैं। सर नेक्स्ट। अच्छा, अब टीपीएन सॉल्यूशन की डिटेल ये है कि इसमें हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये इनकी मेटाबॉलिज्म लिवर में नहीं होती, और अगर अगर किसी पेशेंट का लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो उसको मुश्किल नहीं होगी। अब इसमें जो अमाइनो एसिड की जो कंसेंट्रेशन यूज करते हैं वो 3, 3.5, 5, 7, 8.5 और 10 होती है। और नाइट्रोजन बैलेंस ये होता है कि इनपुट कितना है नाइट्रोजन का उसमें से माइनस करते हैं कि हम लॉस कितना है। उसके बाद जो है ना नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए, और टू डिटरमिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट यूरिन टेस्ट करना है और नाइट्रोजन टेस्ट करना है। बॉडी प्रोटीन इन फूड अमोनिया नाइट्रोजन या यूरिन। ग्लूकोज में हम सॉर्बिटोल एक्सेट्रा यूज करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 3 से 5 ग्राम पर kg। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट की ये कंसंट्रेशन इसमें यूज करते हैं। जी कार्बोहाइड्रेट के आगे एनपीसी क्या लिखा है जी? सर ये नहीं पता। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। यस सर, नॉन प्रोटीन कैलोरी। नो प्रोटीन। अच्छा, नॉन प्रोटीन कैलोरी, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट। अब सोया ऑयल एंड फॉस्फोलिपिड्स विद ग्लिसरॉल। 1 ग्राम फैट जो है ना 9 किलो कैलोरीज के इक्वल होता है। अब हम फैट क्यों यूज करते हैं? कि जो ड्रग्स वाटर इन सॉल्युबल है ना न्यूट्रिएंट्स, वो सारे इसमें जो है ना वो हो जाए, मतलब इन सॉल्युबल ना रहे, सॉल्युबल हो जाए। सॉरी, स्टेबिलिटी जो है इसकी 48 आवर्स तक रहती है, और इसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं बिफोर यूज। अब इसमें जो हम सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कैल्शियम क्लोराइड और पोटाशियम यूज करते हैं। सॉरी, और अब हम लोगों ने जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है ना उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है अगर हम ट्राई पोटाशियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड को जो है ना यूज करते हैं इकट्ठे। तो अब हमने इसको स्टॉप कैसे करना है कि हम ग्लूकोनेट हमने ग्लूकोनेट को यूज करना है, और उसके अलावा हमने कैल्शियम और पोटाशियम को जो यूज कर रहे हैं ना उसकी कंसेंट्रेशन देखनी है हम कितनी यूज कर रहे हैं, ये अमाइनो एसिड का नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, और कैल्शियम सॉल्ट का की क्या टाइप है। जिंक, कॉपर, आयरन, क्रोमियम और ये सारे जो कोएंजाइम्स है ना इसको यूज करते हैं। जो ट्रेस एलिमेंट्स है ना उसमें हमें देखना कि कोई इंटरेक्शन तो नहीं है आपस में, लेकिन जो है ना अब आयरन को अब हम एस्कॉर्बिक एसिड के साथ अगर सपोज यूज कर रहे हैं ना तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करता है। इस तरह ही बाकी सब एग्जाम्पल्स है कि हीम आयरन जो है ना अब हम डेयरी या मीट प्रोडक्ट्स के साथ यूज करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और जो नॉन हीम प्रोडक्ट्स है उसको वेजिटेबल्स या नट्स के साथ यूज करेंगे तो वो पुअरली एब्जॉर्ब होंगे। वाटर इन सॉल्युबल। अच्छा, अब स्टेबिलिटी जो है ना इसके दो तरह के इश्यूज होते हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल, उसमें कॉलेसेंस आ जाती है, और एक रिवर्सिबल होता है उसमें सेडिमेंटेशन, फ्लॉकुलेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड फ्रीमिंग। अच्छा, हमने एंथ्रोपोमेट्रिक जो है ना मेजरमेंट्स लेनी होती है पर्सन की, ताकि पता चल सके कि उसका न्यूट्रिशन जो है स्टेटस क्या है। इसमें तमाम मेजरमेंट्स आ जाती है, उसका हाइट, बॉडी वेट, फैट, फैट कितने है उसकी बॉडी में, सारा कुछ। अब हमने 3 तरह के टेस्ट करने हैं कि
सर नेक्स्ट कर दें जी, एक मिनट बच्चे। अब हमने जब जिस सोल्यूशन बनाना है ना टीपीएन का, तो हमने उसमें देखना है कि उसमें कोई टॉक्सिसिटी ना हो, या जो हम चीज मतलब जो जो उसमें यूज कर रहे हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स उन सबका आपस में इंटरेक्शन ना हो और वो नॉन थेरापूटिक हो। अब फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है कि फार्मासिस्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ सस्टेबिलिटी इन मिक्सचर और सजेस्ट फिजिशियन एंड डिस्कस रिलेटेड इशू इन मिक्सचर्स। अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लोग इवनिंग से थे ना, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स है ना, वो कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, परसोनेंस एंड ट्रेनिंग से। जी मॉर्निंग के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं अभी? यस सर। चलो बच्चों पर यहाँ से इधर से स्टार्ट कर दें आप, ये मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ एक मिनट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में जो उसकी प्रोसीजर और गाइडलाइंस है वो प्रोडक्शन एंड क्यूसी डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर बनाते हैं। टीपीएन रिक्वेस्ट जैसे ही रिसीव होती है प्रोडक्शन और क्यूसी स्टाफ जो है वो उसकी कंपेटेबिलिटी को और फिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं उसकी क्लिनिकल लिमिट्स के साथ, और अगर वो फेवरेबल हो तो देन वो उसको वर्कशीट पर ट्रांसफर कर देते हैं डिस्पेंसिंग वर्कशीट पर, और अगर वो उसमें कोई इश्यूज आ रहे हो तो फिर वो रिव्यू करवाने प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करवाते हैं। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, तो मटेरियल्स की आइडेंटिफाई और कलेक्ट किया जाता है, फिर उनके फार्मासिस्ट जो है उनकी एंट्रीज को वर्कशीट के साथ रीचेक करता है, उनको एक प्लास्टिक बैग में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको लेबल कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है उनको एक क्लीन रूम में ट्रांसफर किया जाता है और बैग्स को खोलने से पहले 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ क्लीन किया जाता है। फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन में यह है कि हर इंग्रेडिएंट को लेबल किया जाना चाहिए, एक टीपीएन को एक टाइम पर प्रिपेयर करें और जो लैमिनर एयर फ्लो है उसके प्रॉपर यूज को इंश्योर करें। नेक्स्ट जो फॉर्मुलेशन जैसे ही प्रिपेयर हो जाए तो उसकी इंस्पेक्शन करें, उसके पोर्स इंटेक्ट हैं वो लीकेज तो नहीं है और उसका पार्टिकुलेट लिमिट है वो मैच करिए कंपैटिबल के साथ। उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स में पेशेंट आईडी और लोकेशन मेंशन होनी चाहिए, फिजिशियन का नेम होना चाहिए, ड्रग की क्वांटिटी होनी चाहिए, डेट ऑफ कंपाउंडिंग एक्सपायरी डेट, फार्मासिस्ट की आइडेंटिफिकेशन और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए एंसिलरी लेबल। नेक्स्ट फाइनल इंस्पेक्शन में जो फार्मासिस्ट की क्लैरिटी को चेक करता है और लेबल को रिव्यू करता है और अगर कोई कैलकुलेशन है तो उनको एक दफा रिव्यू कर लेता है जो प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट को माइक्रोबियल और केमिकल डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, उसको फ्रीज नहीं किया जाता और उसको रूम टेम्परेचर पर परमानेंटली स्टोर नहीं करते, और जो लिक्विड मिक्सर है उसको सिर्फ 12 to 24 आवर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्टोर। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको इंसुलेटेड पॉलीस्टायरीन कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है पैकेज के। नेक्स्ट डिस्पेंसिंग इसकी वही है सेम है जो प्रीवियसली डिस्कस की गई है, अलबत्ता जिसमें नर्सिंग केयर गाइडलाइंस है वो फार्मासिस्ट डेवलप करता है और इसके अलावा जो है वो उसकी स्टोरेज को देखता है और जब उसको टीपीएन को एडमिनिस्टर किया जाता है तो भी फार्मासिस्ट को पहले जाना चाहिए। चार्जिंग जो है टीपीएन प्रिपरेशन की वो कमर्शियल सप्लायर जो दूसरे हॉस्पिटल से मतलब अगर वो इन हाउस प्रिपेयर टीपीएन है तो फिर उसका हॉस्पिटल बजट पे डिपेंड करता है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है लाइक जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसकी कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक उसमें जिसकी लेबर कॉस्ट है और ओवरहेड्स हैं वो उनको सारों को देख के फिर उसकी कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में दो कंपोनेंट्स आई वी एडिटिव प्रोग्राम और आई वी एडिटिव सर्विस। आई वी एडिटिव प्रोग्राम जिसमें प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों आ जाते हैं और ये एसेप्टिक कंडीशन में होती है, और आई वी एडिटिव सर्विस में जस्ट प्रिपरेशन और लेबलिंग आती है और ये भी एसेप्टिक कंडीशन में होती है।
प्रिपरेशन ऑन डिस्पेंसिंग ऑफ आईवी एडिटिव सॉल्यूशंस में फिजिशियन, जैसे फिजिशियन के ऑर्डर पे वो मतलब जो फार्मासिस्ट है वो रिक्वायर्ड लेबल प्रिपेयर करेगा, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्टिंग होगी, उनको वर्कशीट पे ट्रांसफर करेगा, फिर जो रिक्वायर्ड जो भी लेबल होगा उससे देखते हुए वो उसको मिक्स करेगा और प्रिपेयर करेगा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट इसमें लेबलिंग है उसकी. ये लेबलिंग तो वही रिपीट हो रही है स्लाइड. नेक्स्ट हम देख लें स्पेशल रिक्वायरमेंट जो ही है डिस्पेंसिंग ड्रग्स इन ऑफ आवर्स. सेम है सर. ये ऑफ आवर्स में जो डिस्पेंसिंग है वो सैटेलाइट फार्मेसी में होगी और एसेप्टिक एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन उसको हम मेंटेन करेंगे और इसके दौरान जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट और टेक्नीशियंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. आगे साइटोटॉक्सिक एजेंट्स है. साइटोटॉक्सिक एजेंट्स जो हैं ये सेल्स को किल करने के लिए यूज होते हैं और हम ये वाले एजेंट्स जो हैं वो कैंसर में ट्यूमर सेल्स में और न्यूप्लास्टिक सेल्स को किल करने के लिए यूज होते हैं और ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसको फार्मासिस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो डिस्पेंस करता है. रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट्स जो है उनमें एक्सटेंसिव नॉलेज है, स्किल्स है एसेप्टिक टेक्निक्स की और उसको मैकेनिज्म और स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए. सेफ एफिशियंट डिस्पेंसिंग होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन और वो इंश्योर करे कि करेक्ट डोज जो है वो डिस्पेंस हो रही है. एरिया ऑफ स्किल्स में जो है ये जो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स है ये हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को भी किल करते हैं इसलिए इसकी सेफ हैंडलिंग जरूरी है. अगर अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर जो है साइटोटॉक्सिक एजेंट्स का वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो उसके लिए हमें स्किन और आइज की इरिटेशन हो सकती है, सीएनएस रिलेटेड इफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे नोजिया वॉमिटिंग और हेडेक वगैरह या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं. अगर जो अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर जो है ये कार्सोजेनिक हो सकता है, म्यूटोजेनिक हो सकता है, टेट्रोजेनिक हो सकता है और इनफर्टिलिटी भी काज कर सकता है. और प्रिपरेशन एरिया के अंदर जो है हमें लैमिन और फ्लो हुड प्रोवाइड करना चाहिए और जो एसेप्टिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज करते हैं और क्लीन रूम्स होते हैं. और हॉरिजॉन्टल टाइप जो लैमिन और फ्लो हुड है उसको जो है प्रोहिबिट किया जाता है और हमने अपना मटीरियल इस तरह से अरेंज करना है कि स्पिलेज जो है वो कम से कम हो और न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन जो है स्पिलेज के दौरान वो क्लोज टू हैंड अवेलेबल होना चाहिए और सर्फेस जो है वो नॉन पोरस हो और उसको हम जो है वो क्लीन करेंगे 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ. उसके बाद टेक्निक्स एंड प्रिकॉशंस के अंदर हम जो है वर्किंग एरिया में ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग और कॉस्मेटिक्स को प्रोहिबिट करेंगे और प्रिकॉशंस के अंदर जो है हम क्लीन बेंच यूज करेंगे और जो हम डिस्पोजेबल कोट्स ग्लव्स गॉगल्स और फेस मास्क यूज करेंगे. अगर कोई स्पिलिज हो जाती है तो उसको हम कॉप अप कैसे करेंगे, हम फर्स्ट एड से इनिशिएट करेंगे, उसकी डिकंटेमिनेशन करेंगे, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. आगे जो सुपरवाइजर है उसका रोल यह है कि वो जो एक्सीडेंट हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, करेक्टिव मेजर्स देगा और जो है वो टेक्स और स्टेप्स लेगा कि दोबारा से जो ये इवेंट है वो दोबारा रिकर ना हो. और वेस्ट की हैंडलिंग में दो तरह का वेस्ट होता है, एक कंटेमिनेटेड होता है और एक कॉमन वेस्ट मटेरियल होता है. इसके अंदर जो सिरिंजेस और नीडल्स और वायल्स और ब्रोकन एम्प्यूल्स जो इनको हम हेल्थ वार्निंग के साथ जो है वो मटेरियल में डालते हैं और जो रिजिड कंटेनर है ना उसके अंदर पैक कर देते हैं और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं. आगे डिस्पोजल में जो है उसमें हम लैंडफिल नहीं करते या सीवरेज में नहीं डालते. इसकी तीन टेक्निक्स हैं, फिजिकल है, मैन्युफैक्चरर और केमिकल है. फिजिकल के अंदर इनिस्टॉलेशन होती है, ये 1200 डिग्री सी पे होती है, एनकैप्सुलेशन होती है, इंटरनलाइजेशन होती है और केमिकल के अंदर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है और थर्मोफिलिक एनएरोबिक डाइजेशन है. नेक्स्ट सर, ये जो हॉस्पिटल का इनिस्टॉलेटर. आगे थर्मोफिलिक एनरोबिक डाइजेशन. एनरोबिक डाइजेशन जो है वो टू तरह की होती है, मीजोफिलिक होती है और थर्मोफिलिक होती है. जो मीजोफिलिक है वो 20-40 डिग्री सी होती है, 4 वीक्स के लिए हम उसको करते हैं और जो थर्मोफिलिक है ये अबाव 50 डिग्री सी होती है, इसको हम 2 वीक्स के लिए करते हैं. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. कंप्लीट हो गया चैप्टर? नहीं, कंप्लीट हो गया बच्चे चैप्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह मंडे को जो है ना फिर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी.
ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।